स्टूडेंट्स, क्या आप यही सोच रहे हो कि हाफ ईयरली एग्जाम 2026 में कौन से क्वेश्चन से जरूर आएंगे? तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 12th 2026 का केमिस्ट्री का वायरल पेपर। अगर आपने इस पेपर में दिए गए सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके एग्जाम में हाई स्कोर पक्का है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वायरल पेपर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी वायरल पेपर्स के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो हम देखते हैं कि इस वायरल पेपर में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम इनमें रिपीट हो नहीं है, और हाथों हाथ उन क्वेश्चंस को आप तैयार भी कर लेना, तभी आप केमिस्ट्री में हाई स्कोर कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आप यहाँ से इन क्वेश्चंस को नोट करते रहना। तो जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा केमिस्ट्री का पेपर है 2025-26 का, और ये टोटल हमारा 70 नंबर का पेपर होता है। इसमें हमारा 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, इस बात का आप ध्यान रखना। अब ये जो हमारा इसमें सेक्शन ए दे रखा है, इसमें हमसे 8 बहुविकल्पीय क्वेश्चंस पूछ रखे होते हैं। इसमें ज्यादातर हमसे मात्रक या फिर कोई फॉर्मूला पूछ रखा होता है। तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री में जो फॉर्मूले होते हैं और छोटी छोटी डेफिनेशंस होती है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड ही यहाँ पर हमसे बहुविकल्पीय क्वेश्चंस पूछ रखे होते हैं। तो एक एक कर यहाँ पर मैं आपको सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस के आंसर बता दूं, आप यहाँ से उनको नोट कर लेना। तो ये हमारा इसका पहला बहुविकल्पीय क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछ रखा है कि हेनरी स्थिरांक, जिसको हम के एच से लिखते हैं, इसका मान हमारा क्या होता है, और चार ऑप्शन में यहाँ पर दे रखे हैं। जो हमारे पास हेनरी स्थिरांक होता है जिसको हम के एच से लिखते हैं, ये हमारा ताप बढ़ाने पर क्या है, बढ़ता है। तो ये जो इसका पहले वाला ऑप्शन में दे रखा है, ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को, और यहाँ से आप सभी क्वेश्चन के आंसर को हाथों हाथ नोट करते रहना। अब ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रखा है फराडे के वैद्युत अपघटन के जो प्रथम नियम के अनुसार वहां पर हमारा क्या फॉर्मूला बनता है वो मैं यहाँ पर बताना है। तो ये जो मैं थर्ड वाले ऑप्शन में दे रखा है कि W अनुक्रमानुपाती होगा किसके, क्यू के, ये हमारा सही हो जाएगा। और ये आपको प्रथम नियम पता भी होना चाहिए, क्योंकि जो फराडे के वैद्युत अपघटन वाले नियम है ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, और अक्सर ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में भी रिपीट होते रहते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ढंग से तैयार कर लेना। अब ये हमारा यहाँ पर इसका अगला क्वेश्चन है, इसमें हमसे बोल रखा है एक संक्रमण तत्व हमारे पास एक्स है जिसकी यहाँ पर हमें ऑक्सीकरण अवस्था दे रखी है +3 है, और यहाँ पर हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी दे रखा है। तो इसका हमें परमाणु क्रमांक बताना है, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर देख लेना। इसका जो परमाणु क्रमांक होगा वो होगा हमारा 26, और जो परमाणु होगा वो होगा हमारे पास Fe, क्योंकि उसी का परमाणु क्रमांक यहाँ पर हमारे पास 26 होता है, और ये आपको पता भी होगा मेरे हिसाब से। अब इसके अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है यदि अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रथम सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है तो हमें यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि बतानी है। तो इसको आपको पढ़ के समझ में आ गया होगा कि प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो जो हमारे पास अभिक्रिया की कोटि होगी वो क्या होगी, हमारे पास प्रथम कोटि होगी। सिंपल था, जब भी कह रहा हूँ आपको छोटी छोटी जो आपकी डेफिनेशन है या फिर जो आपके फॉर्मूले हैं वो आप जरूर याद कर लेना ढंग से, तभी आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे, वरना आप इन क्वेश्चन को भी नहीं कर पाओगे। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है कि वो हमारी कितनी होगी, और आपने 11th क्लास में सीखा होगा कि ऑक्सीकरण संख्या हम किस तरीके से निकालते हैं, क्योंकि 11th क्लास में भी और 12th क्लास में भी ऑक्सीकरण संख्या निकालने को एग्जाम में अक्सर पूछी जाती रहती है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना तो आपको आता ही होगा, और जिन स्टूडेंट्स को निकालनी आती हो वो कमेंट में जरूर बताना। तो यहाँ पर जो हमारे पास Fe की ऑक्सीकरण संख्या होगी वो हो जाएगी हमारे पास +2, कैसे होगी वो आप कमेंट में कर जरूर बताना, मैं यहाँ पर आपको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। ऐसी जो इसका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें एक अभिक्रिया दे रखी है, हमें यहाँ पर इस अभिक्रिया की आणविकता और कोटि बतानी है। ये टॉपिक भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनमें कभी कभी अंतर भी पूछ लेता है एग्जाम में कि अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता इसमें क्या अंतर होता है। इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, तो ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए। तो इस समीकरण में जो हमारे पास आणविकता होगी वो जाएगी हमारे पास 2, और जो हमारे पास कोटि होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 1। यहाँ से आप इसको नोट कर लेना। उसके बाद में इसके सेकंड लास्ट बहुविकल्पीय क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की हमें यहाँ पर इकाई बतानी है, यानी कि हमें यहाँ पर मात्रक बताना है। तो पहले वाले ऑप्शन में यहाँ पर जो मैं दे रखा है केल्विन मोललता इनवर्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको नोट कर लेना, और जो आपके मात्रक हो या जो हमारे फॉर्मूले होते हैं उनको तो आप जरूर पढ़ ही लेना, क्योंकि उससे रिलेटेड यहाँ पर कोई ना कोई आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, चाहे वो बहुविकल्पीय में हो या फिर निश्चित उत्तरी में हो। कभी निश्चित उत्तरी में हमसे फॉर्मूले भी पूछ लेता है, इसमें भी पूछ रखे होंगे, वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। अब ये हमारा इसका लास्ट बहुविकल्पीय क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर पीडी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो मैं थर्ड वाले ऑप्शन में दे रखा है 5s0 4d10, ये हमारा पीडी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बनाना आना चाहिए, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे यहाँ पर बहुविकल्पीय क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं।
अब यहाँ से हमारे निश्रुत्रि वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे सेक्शन बी से, जो कि हमारे एक एक नंबर के होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ से मैं आपको डायरेक्ट बताता हुआ चलूंगा कि कौन से क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये आपको 2026 के एग्जाम में जरूर मिलने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत करना, इन क्वेश्चन के सबसे ज्यादा चांसेस है और ये क्वेश्चन आपके इस साल जरूर आएंगे और इस वायरल पेपर को आप जरूर तैयार कर लेना ढंग से। तो यह हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। अब इन सारे क्वेश्चंस में से ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से उनको नोट कर लेना और हाथों हाथ अभी तैयार कर लेना हाफ ईयरली में, जिससे जब आपके बोर्ड एग्जाम हो तो वहां पर आपको खाली रिवाइज करना पड़े इनको। तो ये जो आपका तीसरा क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है सेल का वैद्युत भाग बल और गिर ऊर्जा, इसमें क्या संबंध होता है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना ढंग से। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर चार में यहाँ पर हमसे दोबारा अभिक्रिया की कोटि पूछ रखी है और मैंने आपको पहले ही बताया था ये जो टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, ये आपको जरूर पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर पांच है, ये तो हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमारा कारण टाइप में एग्जाम में रिपीट होता रहता है। इसमें हमसे पूछ रखा है डी ब्लॉक के कौन से तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं, वो हमें यहाँ पर बताना है और ये क्वेश्चन हमारा अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है और वो भी कारण टाइप में। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको कारण वाले करने आने चाहिए, तो यहाँ से तो आप इनको तैयार कर लेना, बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। अब ये हमारा लास्ट निश्रुत्रि क्वेश्चन है, अब यहाँ से हमारे सेक्शन सी से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे जो कि हमारे एग्जाम में दो दो नंबर के रिपीट होते रहते हैं। अब इन क्वेश्चंस में कौन से हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर जो मैं सातवां क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमसे बोल रखा है मानव इलेक्ट्रोड विभव, ये मैंने आपको बताया भी था मोस्ट इंपोर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड है, तो आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पर ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है और ये आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आया था, फराडे का जो हमारे वैद्युत उपपत्ति नियम है, यहाँ पर हमसे दूसरा नियम पूछ रखा है, पहला नियम हमसे बहुविकल्पीय में पूछा था, तभी कह रहा हूँ कि ये नियम आप जरूर तैयार कर लेना। और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला भी अभी हमारा ऊपर आया था और यहाँ पर भी ये दो नंबर में दे रखा है, इनके हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने हैं, तो ये आपको आने चाहिए। अगर आपने छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार कर लिए तभी आप केमिस्ट्री में हाई स्कोर कर पाओगे, और अगर आप इसी तरह से केमिस्ट्री के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर लेना। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14। तो इन चारों क्वेश्चंस में से कौन से क्वेश्चंस हमारे 2026 के हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है ये क्वेश्चन, और लास्ट में जो मैं क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है ये क्वेश्चन, तीनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन तीनों क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, ये आपको हाफ ईयरली एग्जाम प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। जैसे कि हमसे यहाँ पर मोल अंश निकालने के लिए मोल रखा है, तो मोल अंश, मोल प्रभाज, मोललता, मोलरता, ये आपको चारों निकालनी आनी चाहिए और साथ में इनके आपको फॉर्मूले भी पता होने चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई ना कोई एक क्वेश्चन हर साल हमारे एग्जाम में आता रहता है। तो मोललता और मोलरता इन दोनों को तो आप जरूरी तैयार कर लेना। उसके बाद में जो हमसे क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रखा है आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है, और यहाँ पर हमें इसमें आगे क्वेश्चन दे रखा है, तो ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में जो राउत का नियम है ये तो हमारा मोस्ट रिपीटेड, समझ लो कि एग्जाम में आना ही आना है, आप इसको जरूर तैयार कर लेना, और दो नंबर में आया हुआ है, आराम से आप इसमें अपने नंबर को पक्का कर सकते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री में थ्योरी थोड़ी ज्यादा आती है, न्यूमेरिकल भी होते हैं लेकिन कम होते हैं, थ्योरी ज्यादा होती है इसलिए आप इसमें अच्छे खासे नंबर थ्योरी के बेस पे ही कवर कर सकते हो। अब इसमें मैं आपको और भी क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो कि हमें इस वायरल पेपर में दे रखे हैं। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 के यहाँ पर हमें अथवा में भी क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि चॉइस मिल रही है और दोनों में से हम यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये जो हमें क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है और 17वें के अथवा में दे रखा है, तीनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में तो हमसे कारण पूछ रखे हैं और ये हर साल हमारे रिपीट होते हैं कारण, चाहे आप पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख सकते हैं, आपको उनमें इस तरीके के क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो मैं दो अभिक्रिया दे रखी है, वोल्टेज अभिक्रिया और फिल्डर क्राफ्ट अभिक्रिया, दोनों ही हमारी मोस्ट रिपीटेड समीकरण है और इसमें जो हमसे अभिक्रियाएं पूछ रखी होती है वो आपको यहाँ पर लिख करके आनी है। मेरे हिसाब से तो आप इसके अथवा वाले क्वेश्चन को कर आ सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इनको जरूर तैयार कर लेना। अब यहाँ से हमारा सेक्शन डी स्टार्ट हो जाएगा जिसमें हमारे तीन तीन नंबर वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो यहाँ से आप सभी क्वेश्चंस को जो इंपोर्टेंट है उनको नोट करते रहना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19,
क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21। अब इन चारों क्वेश्चन में से कौन से क्वेश्चन हमारे महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा 18वां क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है और 21वां क्वेश्चन है, तीनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि हमसे यहाँ पर 18वें क्वेश्चन में बोल रखा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमें यहाँ पर वेग समीकरण की व्युत्पत्ति करनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के हमारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। और अब यहाँ पर जो हमसे मोलर चालकता वाला पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर 20 में, ये भी हमारी डेफिनेशन आती रहती है, तो आप इसको भी जरूर तैयार कर लेना। लेकिन ये जो हमारा 21वां क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रखा है कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु टी आपका क्या होता है 10 गुना होता है। मोस्ट रिपीटेड मोस्ट वायरल क्वेश्चन है आपका और ये क्वेश्चन आपको हर साल मिलने वाला है, बस यहाँ पर आपको कभी कभी डिजिट चेंज हो जाती है वरना पूरा ही क्वेश्चन ये हमारा रिपीट होता रहता है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, आपको ये हाफ ईयरली में 100% मिलने वाला है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25। अब इनमें भी जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन में यहाँ पर हमें 3 टॉपिक्स दे रखे हैं जिनकी हमसे यहाँ पर परिभाषा पूछ रखी है, मोललता, मोललता और मोल, दोनों बताए थे मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहाँ पर हमसे डेफिनेशन भी पूछ रखी है। अगर इनसे रिलेटेड एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा तो पक्का इनकी डेफिनेशन आएगी। अगर डेफिनेशन पूछ रखी है तो जो हमारे पास मोल अंश और मोल प्रभाज है उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल 100% आपको एग्जाम में मिल जाएगा, जो कि आप इस पेपर में भी देख सकते हैं। उसके बाद में ये जो हमें क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर मालक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वर्णन करने के लिए बोल रखा है। हर साल हमारा ये क्वेश्चन आता रहता है और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में, कोई शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आता है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। अब यहाँ से हमारे सेक्शन सी स्टार्ट हो जाएगा जिसमें हमारे 4-4 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन अभी गए हैं और 4 नंबर वाले क्वेश्चन हमारे अब आने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत करना, एग्जाम में इन क्वेश्चन के रिपीट होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। हाथों हाथ आप इन क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम के लिए भी तैयार कर लेना। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। अब इनमें हमारे कौन से क्वेश्चन ज्यादा महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पर हमें 4 समीकरण दे रखी है जिनको हमें यहाँ पर पूर्ण करना है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 में आपको यहाँ पर समीकरण लिखी हुई मिल जाएंगी और उनको यहाँ पर आपको पूरा करना पड़ेगा। और इस तरीके का क्वेश्चन आपका हर साल ही आता है तो आप समीकरणों को भी ढंग से तैयार कर लेना। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अथवा में भी हमें क्वेश्चन दे रखा है वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। और ये हमारा पेपर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, तो इसके अथवा में भी हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है। तो इन तीनों क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन हमारे महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन नंबर 27 के अथवा में ये जो हमसे उपयोग पूछ रखा है DDT, कार्बन टेट्राफ्लोराइड और हाइड्रोफॉर्म, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 में ये जो हमसे संयोजक आवंद सिद्धांत का वर्णन यहाँ पर करने के लिए बोल रखा है 4 नंबर में, और इसके आगे भी हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कारण टाइप में, तो ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना। इसके अथवा वाला इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, संयोजकता आवंद सिद्धांत वाला ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये हमारा आपके 2026 में आने के इसके पूरे पूरे चांसेस है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना, एग्जाम में इन क्वेश्चंस के आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। और अगर आप इसी तरीके से और भी केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर लेना, उसमें बहुत से क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो ये था हमारा क्लास 12th का केमिस्ट्री का हाफ ईयरली का वायरल पेपर 2026 का। और अगर आप केमिस्ट्री के एग्जाम में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इस पेपर को ढंग से तैयार कर लेना, और जो मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बताई है उसको आप ढंग से तैयार कर लेना, चैप्टर वाइज वहां पर आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।